परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकवंशिकाय सत्यज्ञानाय सत्यब्राह्मणे रणे पुरामन मंडताय श्रियारिका श्रावसायिका प्रमुख चतुर संगोप सर्विनाशनाय गातिका विनाशनाय अगातिका विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मामन राय मुनिवर भेसन सागर मुनिवर विष्णु सागर आज के श्रोतृवृंद परिवार महेश चंद शोभा जैन सौरभ अंजलि गौरव प्रियल ऋषभ आभिया विभांशी जखनिया परिवार अगर मेघपुरी एवं शांति धारा करता रमेश चंद कमोद जैन ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल सौर में शांति सज्जनानंद राम सब्यानंद राम सब गोकलानंद राम सब राम नगर खीर करवट पट पतन ढोलमुख सभानंद राम सब सागर जी ससन आज के शांति धारा और सोदर मित्र परिवार महेश चंद शोभा जैन सौरभ अंजलि गौरव प्रिय ऋषभ आपकी पदम प्रभु भगवान की सुभाषनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की गुरुवर वैष्णव सागर महाराज जी गुरुवर विष्णु सागर महाराज जी के चरणारविंद में प्रवचन का से आई कम निर्भव पावे की तुम मेरी कृपा से सभी तुम मेरी भाई मैं भगवान नाम समा शिव के सामने आज जीवी शरण तुम मेरी भाई आज तुम मेरे बारे सभी तुम मेरी भाई तुम मेरी बारे सभी तुम मेरी भाई मैं भगवान महान भाव हमारे आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी महाराज एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं समय सार में। उन्होंने कहा कि जब आप सुबह कपड़े पहन करके बाजार में जाते हैं, कहां जाते हैं आप लोग? बाजार में जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, सुबह से शाम तक व्यापार करते हैं, महिलाएं घर के काम करती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड पर रोजमर्रा की जिंदगी व्यक्ति जी लेता है और शाम के जब घर पर आता है तो क्या करता है? कपड़ों को वही पहनकर सो जाता है। तो क्या करता है? उतार कर रख देता है, नाइट ड्रेस पहन लेता है और हाथ पर धोकर के सो जाता है। सुबह उठ करके वही कपड़ों को पहनता है क्या? क्या करता है? क्या करता है बताइए? उस गंदे कपड़ों को जो दिन भर आपने पहन रखा है उसको उतार कर रख देते हो, अपनी गृहिणी को, अपनी धनपत्नी को दे देते हो या काम करने वाले एम्प्लॉय को दे देते हो। इसे धो करके साफ करके प्रेस करके रख देना, कल ये दोबारा मैं पहनूंगा। क्यों धोने के लिए दिया कपड़े? धोने के लिए क्यों दिया? गंदे हो गए थे ना। जब एक कपड़ा जो पुद्गल है उसमें जीव नहीं है पंडित जी, जीव है क्या? जब एक कपड़ा जो पुद्गल है जो हमारे परमार्थ का कारण नहीं बनता, जब एक बार दिन भर पहनने के बाद वो गंदा हो जाता है, उसको धोने के लिए तुमने साबुन का इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया और महानुभाव दिन भर हम परिणामों के खराब करते रहते हैं, सुबह से शाम तक कहीं मन कहीं वचन कहीं काय, तो आचार्य कहते हैं इसे धोने के लिए सिर्फ धर्म ध्यान है। क्या है? धर्म ध्यान की एक साबुन आती है। धर्म ध्यान की क्या आती है? फेना ही लेना, निर्मा, सर्फ एक्सल, ये तो धोखेबाज एक्सल है। ये सिर्फ कपड़े को धोएंगे और मालूम है आप एडवर्टाइजिंग में मरे जाते हो, उस टीवी पर वो इतनी सुंदरता के साथ अपना एडवर्टाइजिंग पेश करते हैं और आप उस चीज को देखकर लालायित होकर वो चीज खरीदकर अपने घर में यूज करते हो। मालूम है
तो हमारे आचार्य कहते हैं जैसे ये साबुन का एडवर्टाइजिंग है ऐसे ही हमारे पास एक धर्म ध्यान का साबुन है और दिगंबर साधु 3 टाइम उसका उपयोग करता है। सामायिक मतलब धर्म ध्यान, कौन सा ध्यान? हमारे आचार्य कहते हैं चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। कितने? और लगातार इसको बढ़ाते जाओ तो चौथे से पांचवे, छठवे, सातवें, आठवें, नौवें, ग्यारहवें, बारहवें सीधा आगे पहुंच जाता है तेरहवे गुण स्थान और तेरहवे से सीधे अनंतानंद सुख की प्राप्ति। तो जो आचार्य भगवान समय सार की उस प्यारी सी गाथा की बात मुझे बता रहे थे कि जिस प्रकार कपड़े गंदे हो जाने के बाद हम उसे धो लेते हैं ऐसे हमारी आत्मा में लगे हुए कर्मों को धोने के लिए धर्म ध्यान का सर्फ एक्सल यानी साबुन यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा? दिन भर के जो पाप लगे हैं वो बैलेंस बराबर हो जाएगा और ज्यादा तपस्या कर लोगे, उपास कर लोगे, जाप कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे तो वो निर्जरा का कारण बन जाएगा। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय होगा और चौथे गुण स्थान से कर्म क्षय के लिए हम कदम आगे बढ़ा देंगे। आचार्य भगवान को कहना पड़ा दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। कितने प्रकार का? एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। अब आप कहोगे हमने तो पढ़ा है अधिगमज और निसर्गज, महानुभाव वो अलग तत्वार सूत्र में बताया गया है। जिस सम्यक दर्शन की मैं चर्चा कर रहा हूं वो दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार का मतलब बाहरी और निश्चय का मतलब अंतरा। हमारे आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आप बाजार में गुलाब का फूल लेने के लिए जाएं। कितने लोगों ने आज तक गुलाब का फूल लिया? किसी ने लिया? नहीं लिया? बहुत अच्छी बात है। शादी क्या आर्टिफिशियल गुलाब से की थी? हैं? बरमाला काय की डाली थी? मालूम ही नहीं। सही कह रही अम्मा, अम्मा कह रही हमें पता ही नहीं बरमाला हुई थी कि नहीं हुई थी। फेरे हुए थे पता है? वो भी नहीं मालूम। बाल विवाह हो गया था बचपन में पता ही नहीं था। घूंघट डली थी क्या हो रहा था पता ही नहीं चला। तो महानुभाव जब आप गुलाब बाजार में लेने जाते हो तो गुलाब देखकर आकर्षित होते हो पर गुलाब की खुशबू कहां रहती है? उसकी अंदर रहती है। किसके अंदर रहती है? गुलाब के अंदर खुशबू होती है। गुलाब खुशबूदार नहीं होता, गुलाब की खुशबू अंदर जो रहता है, इत्र डला होता है, अंदर अर्क होता है, वो चीज खुशबूदार होती है। इस प्रकार से गुलाब दो प्रकार का, जो बाहर दिख रहा है वो अलग और जो उसकी खुशबू है वो अलग। इसी प्रकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं दो प्रकार का सम्यक दर्शन आपके सामने है, एक बहिरंग सम्यक दर्शन है और एक अंतरंग का सम्यक दर्शन है। बहिरंग सम्यक दर्शन व्यवहार को दर्शाता है और अंतरंग सम्यक दर्शन निश्चय को दर्शाता है। निश्चय कभी दिखाई नहीं देगा लेकिन रहेगा निश्चय। निश्चय कभी बताया नहीं जा सकता, निश्चय कभी दिखाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो और हम उसे गुड़ खिलाएं, हम मिश्री खिलाएं, हम शक्कर खिलाएं और उससे पूछें बता इसका स्वाद कैसा है, गूंगा कभी बोल नहीं सकता। ये तो कहेगा बढ़िया है। कितना बढ़िया है वो कभी बता ही नहीं सकता कितना बढ़िया है क्योंकि वो गूंगा है। इसी प्रकार हमारा सम्यक दर्शन जो निश्चय है वो बता नहीं सकता। और महानुभाव आचार्य कहते हैं जब निश्चय बड़ा मजबूती के साथ खड़ा होगा तो व्यवहार अपने आप उसके साथ चलेगा और जहां व्यवहार मजबूती से खड़ा होगा वहां से निश्चय भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। मानवा मटके में अगर पानी अंदर है तो बाहर गीलापन तो रहेगा ही रहेगा। कोई ऐसा मटका नहीं है जिसमें आपने पानी अंदर डाला हो और वो बाहर दिख नहीं रहा हो। महानुभाव जितनी आप पूजा पाठ श्रद्धा विवेक क्रिया कर रहे हो ये व्यवहार का सम्यक दर्शन है। क्या है? बाहर का सम्यक दर्शन है, व्यवहार का सम्यक दर्शन है। ये बाहर का सम्यक दर्शन ऐसा माहौल बनाएगा कि आपका अंतरंग का सम्यक दर्शन मजबूत बनता चला जाएगा। महानुभाव जब मजबूत बन जाएगा तो वही ज्ञान और चारित्र अपने आप आता चला जाएगा। कोई व्यक्ति आईपीएस की पढ़ाई कर ले
तो दुनिया की फिर कोई पढ़ाई करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हर क्षेत्र में परिपक्व हो जाता है, यानी कहने का मतलब ऑलराउंडर हो जाता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसे फिर दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप सब चीज उसमें ब्रह्मास्त्र उसके पास आ गया। जितने तीर्थंकर हुए हैं, होंगे या हुए थे, जितने भी महापुरुष जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था या है, ये सभी लोगों ने सम्यक दर्शन की आराधना की। मालूम है भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के 49 भवों का वर्णन हमारे पास है, 49 भवों का वर्णन हमारे पास है। एक बार कहने मात्र सम्यक दर्शन नहीं होता। अगर समय सार को मैं अपनी छाती से चिपका के रखूं तो समय सार मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर मेरे अंदर प्रवेश करने लग जाए छाती से चिपकाते, तो जितनी अलमारियां रखी है समय सार से भरी हुई, सबको मोक्ष हो जाता। महानुभाव, समय सार कहने की चीज नहीं है, उतारने की चीज है। एक बार एक मुनिराज ने हमसे पूछा कि आपने समय सार पढ़ा है? हमने कहा नहीं महाराज जी, हमने तो नहीं पढ़ा। बोले क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा मेरा काम समय सार पढ़ने का नहीं है। बोले फिर क्या करोगे साधु बनने के बाद? मैंने कहा समय सार बनने का है, पढ़ने का काम तो पंडितों का है, और पंडित पढ़ भी रहे हैं और आप लोग सुन भी रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, आपने कितने बार पढ़ा? बोले हम 10 बार पढ़े, लेकिन आज तक आलू नहीं छोड़ पाए, आज तक चमड़े का त्याग नहीं कर पाए, चतुर्मास चल रहा है, रात्रि में भोजन नहीं छोड़ पाए, आप एक टाइम दो टाइम भोजन करने का नियम नहीं ले पाए, आपने अष्टमी 14 उपास त्याग तपस्या भूल गए, लेकिन महानुभाव मैंने एक गाथा पढ़ी और मुनि महाराज बन गया। कितनी पढ़ी? एक गाथा पढ़ने से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, और उस दिन से मैंने समय सार का गुणगान करने लग गया। आप 100 बार पढ़ चुके हो, फिर भी बाल काले सफेद थे, उसको काले करने में लगे हुए हो। खुद पुद्गल की बातें करते हो, खुद पुद्गल का परिमणन की बात करते हो, उत्पाद द्रव सत्यम सब कुछ बताओगे, लेकिन जीवन में नहीं उतार पा रहे हो। मैंने एक गाथा पढ़ी, अफसोस हो रहा है कि मैं 2 क्यों नहीं पढ़ा, मैं 3 क्यों नहीं पढ़ा, एक गाथा में मैं मुनि बन गया। अगर समय सार पढ़ता रहूं तो खुद समय सार ना बन जाऊं तो इससे बड़ी क्या आश्चर्य की बात है। महानुभाव, समय सार पढ़ने की चीज नहीं है, अनुभूति की है, अनुभव गम्य है, बताने की चीज नहीं है। सबसे प्यारा ग्रंथ, सबसे अटूट ग्रंथ जो हमें अध्यात्म और तत्व ज्ञान का क्या करता है, प्रकाश ले जाकर आगे तक पहुंचाता है, बहुत सुंदर रास्ता दिखाता है कि स्वर्ग से भी ऊपर कोई चीज है, तो कौन है? समय सार। इसलिए आचार्य कुंत कुंत स्वामी महाराज का सबसे प्रिय और इंपॉर्टेंट विषय समय सार। समय मीन्स आत्मा, और सार यानी समय का जो निचोड़ है वो आत्मा का सार, समय सार। महानुभाव, हमारे आचार्य कहते हैं 49 भवों तक आदिनाथ भगवान भटके, 49 भवों तक भगवान महावीर स्वामी का जीव भटका। सोचो, आदिनाथ भगवान के समोसरण में बैठा हुआ जीव, उन्हीं के परिवार में जन्म लिया हुआ जीव, एक छोटे से अहंकार के कारण उठकर चला गया। जब मैं भगवान बनूंगा तो मैं वाणी क्यों सुनूं? और क्या हुआ? भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, 22 तीर्थंकरों ने जन्म ले लिया। उसके बाद उसका नंबर आया, कौन बना हुआ? भगवान महावीर। कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जी अर्थम निर्माण के Thank you.
पूर्णार्घम महार्घम निर्वर्मामि।